आगरा मुरादाबाद शहर में कांट रोड के पास स्थित रामगंगा विहार, जो कि मुरादाबाद का सबसे पॉश इलाका माना जाता है, एक एजुकेशन हब है, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बढ़िया है। इस इलाके में ऐसे मकान की तलाश में जो कि गेटेड सोसाइटी में हो, 144.5 मीटर में हो, सामने 9 मीटर की रोड हो, डेढ़ मंजिला बना हुआ हो, तो ये वीडियो आपके लिए। नमस्कार दोस्तों, रियल एस्टेट एक्सपर्ट ग्रुप ऑफ मुरादाबाद की पूरी टीम की तरफ से मैं चंद्र प्रकाश आर्य, रियल एस्टेट कंसल्टेंट, आपका स्वागत करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज जो मकान लेके आया हूँ, जैसे कि मैंने बताया इंट्रो में कि आपका 9 मीटर रोड पे है, पार्किंग की अच्छी सुविधा है, तो चलिए इस मकान को एक्सप्लोर करते हैं और शुरुआत करेंगे इस मकान के एंट्री गेट से। तो ये इस मकान का एंट्री गेट है, देख लीजिए, आपका सामने आपकी 9 मीटर की रोड होने वाली है और ये आपका पूरा पार्किंग एरिया है। तो अगर इस पार्किंग एरिया के डायमेंशन की बात करेंगे तो 16x9 इसका डायमेंशन है और देखेंगे आपका 7 सीटर कार यहाँ पार्क हो जाएगी। इसके अलावा ये आपका वॉशिंग एरिया है और इसके अलावा आप यहाँ पे गार्डनिंग वगैरह की ऑप्शन आप रख सकते हैं। और इधर आपका गेस्ट रूम होने वाला है जिसको हम अंदर से एक्सप्लोर करेंगे, तो चलते हैं अंदर की ओर। जब हम अंदर आते हैं तो ये इस आपका जो मकान का जो लॉबी है उसमें एंट्री का मेन एंट्री गेट है और इधर से आपका फर्स्ट फ्लोर को जीना जा रहा है, इसको हम आगे एक्सप्लोर करेंगे। और यहाँ पे देख लें, आपका डबल डोर एंट्री है, मैश प्लस हार्ड वुडन डोर का यूज़ किया गया है। जब इधर से अंदर आएंगे तो ये आपका लॉबी एरिया होने वाला है, काफ़ी स्पेसियस है। और आगे आते तो इधर आपको दो रूम मिलने वाले हैं अटैच वॉशरूम के साथ, इसके अलावा एक ओपन मॉडलर किचन आपको इधर मिलने वाला है। और इस लॉबी एरिया से इस साइड में देखेंगे आपका वेस्ट डायरेक्शन में तो इधर आपको एक गेस्ट रूम मिलने वाला है। तो इन सबको हम 1x1 एक्सप्लोर करेंगे। और ओवरऑल इस मकान का स्टैंडर्ड की हम बात करते हैं तो जो आपका जो फ्लोर है आपको देखेंगे टाइल्स वर्क हो रखा है, इसमें पूरी टाइल्स लगी हुई है, लाइट कलर यूज़ किया गया है, काफ़ी अच्छा लुक आ रहा है। तो इसके अलावा वॉल्स पे जो आपका लाइट क्रीम कलर यूज़ किया गया है जो कि बड़ा शॉवर और अच्छा लुक देता है। और अगर हम फॉल सीलिंग की बात करेंगे तो आपको डिजाइनिंग मल्टी लेयर फॉल सीलिंग मिल रही है और साथ में बहुत सारी LED इसमें लगी हुई है, तो उससे क्या होता है आपका लाइटिंग का बहुत अच्छा अरेंजमेंट होने वाला है। हालांकि अभी यहाँ पे मीटर नहीं लगा है, इस वजह से हम आपको पूरा जो एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं वो अभी नहीं हो पाएगा। पर तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले किचन से। यहाँ पे आपको एक ओपन मॉडलर किचन मिलने वाला है, इधर थोड़ा सा एक आपको वुडन वर्क भी दिया हुआ है इसके एंट्री में ये। और जब हम अंदर आते हैं तो यहाँ पे हम देखेंगे आपको काफ़ी स्पेसियस होने वाला है, कैबिनेट्स और स्टोरेज के लिए सफिशेंट अरेंजमेंट यहाँ दिया गया है। इसके अलावा एक अच्छी चीज़ यहाँ है, ये आपका डिशेज वगैरह के लिए रखने के लिए सेपरेट नई चीज़ में दी है। हाइड्रोलिक ओपनिंग सिस्टम इसमें है कि आपने एक इशारे पे ही अपने आप बंद हो जाएगा। इसके अलावा ये देखेंगे ये स्टोरेज के लिए ये पूरा हाइड्रोलिक सिस्टम दिया गया है, इसमें ये आपके इशारे पे बंद हो जाता है और जब आपको खोलना हो तो हल्के से कर दिए अपना खुल जाता है। और इसके अलावा हम देखेंगे कैबिनेट्स वगैरह पूरी दी गई हैं आपका यहाँ पर स्टोरेज वगैरह के लिए, तो स्टोरेज की यहाँ कमी नहीं होने वाली है। इसके अलावा हम देखेंगे इलेक्ट्रिक अप्लाइसेस के स्विचेस वगैरह भी सफिशेंट दिए गए हैं इधर। ये आपका वॉश बेसिन है, डबल वॉश बेसिन दिया गया है। तो ये हो गया आपका किचन। इसके अलावा वेंटिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ये वेस्ट फेसिंग ये मकान है, तो इधर से हम आपका जो डोर है आपका मेन डोर की तरफ को खुल रहा है, ये हो गया। इसके अलावा हम आते हैं, ये आपका लॉबी एरिया होने वाला है और लॉबी एरिया से कनेक्टेड हम बात करें तो ये आपका एक रूम है, ये आपका मेन गेस्ट रूम है, यहाँ पे आपके गेस्ट अटेंड कर सकते हैं आप। और इसकी भी एंट्री डबल एंट्री है, जैसे कि मैंने आपको पहले अंदर से एंट्री किया था, ये एंट्री आपकी मेन गेट को होने वाली है, यहाँ से आपका जो भी गेस्ट आएगा इधर से आप इन आउट करेंगे। और ये आपकी विंडो दी रखी है,
वेंटिलेशन के लिए इधर है इस साइड में, और इधर आपका ये ग्लास वर्क दिया गया जिससे कमरे के अंदर यहाँ लाइट ना होते हुए आप देखेंगे सफिशेंट रोशनी यहाँ पे अवेलेबल है। और इसके अलावा जब हम अंदर को आते हैं इस लॉबी से कनेक्टेड आपको दो बेडरूम मिलने वाले हैं, और ये हम आ गए हैं बेडरूम के अंदर। काफ़ी स्पेशल बेडरूम है, और इधर बता दें इधर आपको वार्डरोब दिया गया है आपके स्टोरेज के लिए, आपका स्लाइडिंग डोर के साथ ही आपको स्टोरेज के लिए वार्डरोब दिया गया है। और इधर हम देखेंगे अंदर आते तो इसके साथ एक अटैच वॉशरूम दिया गया है, हालांकि अभी शीट वगैरह यूज़ नहीं की गई है इसमें। तो देखेंगे हम इसको कि टाइल्स वर्क हो रखा है, अप्रॉक्स आपको 7.5 फीट तक टाइल्स लगी हुई है। और एक अच्छी चीज़ और मैं बता दूं आपको, हालांकि शीट यहाँ पे अभी अवेलेबल नहीं है, बट आप देखेंगे जैसे बॉक्स वगैरह रखे हैं जैगवार के, जो भी आपका आइटम है जैगवार का फिटिंग आपको यहाँ पे मिलने वाली है। और इससे जब हम आगे आते हैं इधर आपको वेंटिलेशन और लाइटिंग के लिए हम देखेंगे कुछ स्पेस में अलग से छोड़ा गया है, ताकि जो छत से जो रोशनी और सनलाइट वगैरह आए और जो एयरिंग वगैरह आए उसके लिए अरेंजमेंट दिया गया है। और ये है आपका इसका ग्राउंड फ्लोर का रूम नंबर 2, और स्टैंडर्ड लगभग लगभग सेम है यहाँ पे। और देखेंगे स्टोरेज के लिए यहाँ भी इस अटैच इसके साथ वार्डरोब दिया जा रखा है, आपकी क्लोथिंग स्लाइडिंग डोर के साथ ही आपका वार्डरोब है। और मैं आपको ओवरऑल बताएं तो ये दोनों रूम जो है इसमें हम देखेंगे फ्लोर पे आपका टाइल्स वर्क हो रखा है, वॉल पे हम देखेंगे लाइट क्रीम कलर का पेंट हो रखा है, इसके अलावा जो सीलिंग आपकी डिजाइनिंग मल्टी लेयर फॉल सीलिंग दी गई है, तो एक अच्छा ऑप्शन है। इसके अलावा जब हम रूम इधर आते हैं इसके साथ अटैच आपको वॉशरूम मिलने वाला है, इसमें भी अभी फिटिंग नहीं है पर आपको ये फिटिंग करके मिलेगी। और जब इधर आते हैं इस वॉशरूम के अलावा एक इन एडिशन वेंटिलेशन के हिसाब से, और ये आपका वॉशिंग एरिया दिया गया है जहाँ पे अपनी वॉशिंग मशीन रख के आपका क्लोथिंग धोना है सुखाने के लिए सेपरेट स्पेस हो जाता है, और दूसरा ये आपका वेंटिलेशन को भी सपोर्ट करता है। तो ये एरिया आपका वॉशिंग एरिया हो गया। तो दो रूम के साथ आपको अटैच वॉशरूम मिल रहा है, इसके अलावा कॉमन यूज के लिए हम देखेंगे तो इधर भी आपको एक वॉशरूम मिल रहा है। ये आपका रूम हो गया, ये आपका वॉशरूम है। तो ग्राउंड फ्लोर के बाद अब हम चलते हैं फर्स्ट फ्लोर की ओर और देखते हैं वहाँ क्या क्या अवेलेबल है। और अब हम पहुंच गए फर्स्ट फ्लोर पे, इस साइड में आपको एक कंबाइंड वॉशरूम मिलने वाला है, और इस साइड में आपको एक रूम मिलेगा। ये आ गया, हम इस रूम में एंटर हो चुके हैं, डबल डोर एंट्री है इस रूम की। और ये आपका देखेंगे फ्लोर पे आपका पूरा टाइल्स वर्क हो रखा है, और आपका वॉल पे आपका पेंट वगैरह कंप्लीट है। इसके अलावा जो सीलिंग है आपकी सेम जैसे ग्राउंड फ्लोर पे थी, डिजाइनिंग मल्टी लेयर फॉल सीलिंग दिया गया हुआ है। और जब इस रूम से हम इधर को आते ये आपका बालकनी एरिया होने वाला है, और जब इधर आते ये सेम आपका बालकनी एरिया, काफ़ी स्पेशियस बालकनी दिया गया है। इसके अलावा हम देखेंगे रैलिंग है, ग्लास वर्क हो रखा है, काफ़ी अच्छा लुक आता है। यहाँ पर आप सुबह शाम चाय का आनंद ले सकते हैं। और सामने हम रोड देखते हैं तो आपको 9 मीटर की रोड मिलने वाली है, जो कि लगभग आपका 30 फीट की होती है। तो अगर आप चाहते हैं कि हमारे द्वारा सेल और प्रमोट की जाने वाली प्रॉपर्टी जानकारी आपको मिल जाए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, प्लस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। बेनिफिट आपको ये होगा, जब भी आप यूट्यूब पे आते हैं तो आपको हमारे वीडियो मिल जाएंगे और आपके हाथ से कोई अच्छी डील नहीं निकलेगी। इसके अलावा आपकी कोई प्रॉपर्टीज आप सेल करना चाहते हैं उसमें भी आप हमारी मदद ले सकते हैं। करना सिर्फ आपको यह है कि आपकी प्रॉपर्टी की डिटेल्स, फोटोज, गूगल लोकेशन, क्या USP आप हमको भेज दीजिए, और बहुत जल्दी हम आपकी प्रॉपर्टी कवर करेंगे। आपके प्रॉपर्टी के सेल होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं, क्योंकि हमारा जो कीवर्ड है YouTube का वह है प्रॉपर्टी इन मुरादाबाद, तो हमारे जो वीडियो 1 पे रैंक करते हैं तो आपके प्रॉपर्टी जल्दी सेल हो जाएगी। और इस मकान की कॉस्ट बताने से पहले इस पूरी प्रॉपर्टी को मैं एक बार समराइज कर दूं। अगर हम इसकी लोकेशन की बात करेंगे तो कांट रोड के पास जो रामगंगा बिहार का ये इलाका होने वाला है। अगर लैंडमार्क की बात करेंगे नियर बाई तो आपका सोनोपुर स्टेडियम, आपका साईं मंदिर और आपका वेव मॉल, ये आपके आसपास के इलाके होने वाले हैं। उसमें एक गेटेड सोसाइटी में बना हुआ मकान है। एरिया जो है आपका 144.5 मीटर में बना हुआ मकान है, जो कि लगभग अप्रॉक्स आपका 205 गज के आसपास का ये एरिया होता है।
ग्राउंड फ्लोर पे हम देखेंगे तो ग्राउंड फ्लोर पे आपको दो बड़े बेडरूम, एक गेस्ट रूम, बड़ा सा लॉबी एरिया और एक ओपन मॉडुलर किचन मिला। साथ साथ आपका जो पार्किंग सफिशियंट एरिया है, आपकी 7 सीटर कार घर के अंदर और बाहर पार्क हो जाएगी क्योंकि सामने 9 मीटर की रोड है। इसका फेसिंग की बात करेंगे तो ये आपका नॉर्थ वेस्ट फेसिंग पे ये मकान होने वाला है और फर्स्ट फ्लोर पे भी आपको एक रूम मिल रहा है, उसके साथ वॉशरूम है और आपका बाकी ओपन एरिया है। तो ये होगी इसकी समरी। अगर हम इसकी कॉस्ट की बात करेंगे तो इसके जो ऑनर जो इसके रेट कोट किए हैं वो हैं 1,65,00,000 रुपये और हालांकि ऑन टेबल नेगोशिएबल है। तो अगर आपको ये प्रॉपर्टी समझ में आती है और आप इसमें इंटरेस्टेड है तो मेरा जो नंबर 9877-62850 उस नंबर पर कॉल करके आप हम आपकी मीटिंग करा देंगे और जो भी बेस्ट प्राइस होगा वो हम आपको दिलवा देंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए रियल एस्टेट एक्सपर्ट गोपाल मुरादाबाद की पूरी टीम की तरफ से मैं चंद्र प्रकाश आर्य रियल एस्टेट कंसल्टेंट आपको धन्यवाद देता हूँ। बहुत जल्द मिलते एक नई लोकेशन में नई प्रॉपर्टी साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि भविष्य में आने वाली वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आपके हाथ से कोई अच्छी डील ना निकल जाए।